देवेंद्र फडणवीस ने 2-2 कह दिया था कि औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके क्या रिएक्शन सामने आए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई। अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई। 2-2 कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी औरंगजेब का समर्थन करते हैं। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, एक पहलू तो ये कि लगातार जांच टीम जो है वो जांच कर रही है, उसके पीछे साजिश वाले एंगल को खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोरालिटी के ग्राउंड पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से जीआई साहब ने भी सवाल उठाए, कौन वो लोग हैं जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं, क्योंकि औरंगजेब के समर्थन की बात देश में कोई कर सकता है ये कल्पना से भी परे। जी बिल्कुल, ये कल्पना से भी पगे है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पहले अबू आजमी जो है समाजवादी पार्टी के, वो खुल के सामने आते हैं, कहते हैं कि मैं औरंगजेब का समर्थन करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार कहते हैं कि ये भी क्या कोई मुद्दा है या नहीं है। MIM से जुड़े हुए जो पुराने लोग थे वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल नजर आए थे, हालांकि बाद में MIM ने अपने हाथ खड़े कर दिया, उसका खंडन कर दिया। तो आखिर क्या इन लोगों को कोई राजनीतिक सपोर्ट है, बैकअप है या नहीं, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसकी जांच जो है कोल्हापुर पुलिस कर रही है। और ये कोई एक घटना ऐसी नहीं,